हाय दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा पॉल्यूशन ऑफ वाटर। सबसे पहले कि हम ये जाने कि पॉल्यूशन क्या होता है। पॉल्यूशन वही होते हैं जो अनवांटेड सब्सटेंसेस एटमॉस्फेयर में डिजॉल्व हो जाते हैं, और जब वो मिल जाते हैं तो उसी को हम पॉल्यूशन बोलते हैं। और पॉल्यूटेड, पॉल्यूटेड यही होता है कि कॉन्टेमिनेटेड एयर, वाटर एंड सॉइल, ये तीनों जो जिसे इम्प्योर बना दिया जाता है उसे पॉल्यूटेड कहते हैं। पॉल्यूटेड के दो टाइप होते हैं, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल वो होते हैं जिसे हम बहुत छोटे पीस में तोड़ सकते हैं और या फिर उसको हार्मलेस बना सकते हैं, हार्मलेस वो नहीं होता है। और नॉन बायोडिग्रेडेबल उसको सिंपल पीस में नहीं तोड़ सकते और वो हार्मलेस होते हैं। अब वाटर पोल्यूशन के बारे में अब हम पढ़ेंगे। वाटर पोल्यूशन वही होता है, इससे हम इलिजर ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। वाटर को हम इलिजर ऑफ लाइफ बोलते हैं। हाँ, जैसा हम जानते हैं कि बॉडी में 65% है, जो हमारे बॉडी में 65% ऑफ वाटर है, और पूरे वर्ल्ड में 3% ऑफ फ्रेश वाटर है, और सैलिन वाटर 97%। वाटर स्कार्सिटी क्यों होता है? इसका कारण यही है कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, उसीलिए वाटर स्कार्सिटी होता है। अब हम पढ़ेंगे कि हम वाटर क्या वाटर जो गंदा है उसे हम कैसे इंडिकेशन कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले कि हम देखेंगे कि उसका बैड टेस्ट रहेगा, उसका बैड स्मेल रहेगा, ऑयल ग्रीज ऊपर से फ्लोट रहेगा, फिश उसमें मरा हुआ रहेगा और अनवांटेड वीड्स उसमें रहेगा। इससे हम जान सकते हैं कि वाटर गंदा है और पॉल्यूटेड है। अब वाटर पॉल्यूशन का दो टाइप होता है, केमिकल और एक बायोलॉजिकल। केमिकल वही होते हैं जो रिलीज करता है हार्मफुल गैसेस और जो वाटर पॉल्यूशन को पॉल्यूट कर देता है, वाटर को पॉल्यूट करता है। अब बायोलॉजिकल वही होता है जो बायो वेस्ट बॉडीज में मिल जाता है और वाटर भी पॉल्यूट हो जाता है। अब इसका इफेक्ट क्या होता है? इसका इफेक्ट यह होता है कि ये फर्टिलिटी को डिक्रीज कर देता है और ग्राउंड वाटर को इम्प्योर बना देता है और एक्सचेंज कर देता है। सॉइल जो है आपका सॉइल उसे एसिडिक बना देगा और बेसिक बना देगा। आप प्रिवेंट ऑफ सीवेज, आप प्रिवेंट क्या करना है, इसे हम सब कैसे रोक सकते हैं? तो पहले हम ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज करेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कितना गंगा में सीवेज बनाए रखते हैं, उससे हमारा गंगा भी पॉल्यूट होते जा रहा है। तो इससे हम करेंगे कि सीवेज को वहाँ सीवेज का ट्रीटमेंट करें। ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज से हमारा गंगा नहीं पॉल्यूट होगा, जिससे कि वाटर नहीं पॉल्यूट होगा। और ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, जैसे कि आप बहुत सुने होंगे कि जैसे कि कानपुर एक शहर है जिसमें गंगा सबसे गंदा हो चुका है, और वो इंडस्ट्रियल वेस्ट से ही हुआ है, सीवेज से हुआ है। वहाँ पर लोग कपड़ा धोते हैं अपना, वहाँ पर सब अपना कपड़ा धोते हैं, वहीं नहाते हैं, वो सबसे गंगा पूरा गंदा हो चुका है। और इसीलिए हमें इंडस्ट्रियल वेस्ट को ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट करना पड़ेगा। अब डेड बॉडीज़ को हमें पानी में नहीं छोड़ देना चाहिए, उसे जला देना चाहिए या फिर ज़मीन में धपना देना चाहिए। इससे हमें वाटर पॉल्यूट नहीं होगा। अधिकतर आप सुनने होंगे कि वाटर में कोई डेड बॉडीज डाल देता है जो किसी कोई जानता नहीं है ये डेड बॉडी किसका है। अब इसे हम अगर हमको ड्रिंकिंग वाटर चाहिए, मतलब कि अनफिट फॉर कंजप्शन वाटर चाहिए, तो उसको जरूर फ्री रहना चाहिए सस्पेंडेड पार्टिकल्स, मैड और मड और सैंड नहीं रहना चाहिए उस पानी में, और केमिकल्स यानी कि केमिकल्स फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड पानी में नहीं रहना चाहिए। तो ये हम सबके लिए अनफिट नहीं रहेगा। अगर ये दोनों रहेगा तो अनफिट फॉर कंजप्शन नहीं रहेगा। और हार्मफुल बैक्टीरिया वाटर पानी में अगर हो गया तो वो हम सबके लिए ड्रिंकिंग वाटर नहीं हो सकता है। अब हम सबको फैक्ट पढ़ना है कि गंगा एक्शन प्लान, ये आपके एग्जाम में भी पूछ सकता है। तो फैक्ट यही है कि गंगा एक्शन प्लान जो 1985 को शुरू हुआ था, इसका बस एम था कि वो गंगा को प्रोटेक्ट करे और पॉल्यूशन से बचाए और वाटर साइकिल। जैसा कि आपने यहाँ पढ़ा था कि फ्रेश वाटर 3% रहते हैं, तो यहाँ पर वाटर साइकिल है ना, यही है जो पानी को फ्रेश वाटर करते हैं। इसका प्रोसेस होता है कि पहले वाटर को क्या तो गर्म होता है, फिर वाटर पेपर से ऊपर क्लाउड बनता है, फिर नीचे आता है इस क्या तो बर्फ़ के रूप में आता है और बारिश के रूप में आता है, उसी से फ्रेश वाटर होता है। बहुत सारा है, वो सब बात अगले वीडियो में पढ़िएगा। फिर मथुरा ऑयल रिफाइनरी, ये सब एग्जाम में आ सकता है, इसलिए ये सब ध्यान से ये पढ़ लीजिएगा। और उम्मीद है कि आप ये कॉपी में लिख ही रहे होंगे। मथुरा ऑयल रिफाइनरी जो कि आगरा की बगल में है, मथुरा ऑयल रिफाइनरी एक ऐसा है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये इतना ना सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड छोड़ता है जो वाटर पेपर में मिलकर एसिड रेन बन जाता है, और एसिड रेन से डीकलराइजेशन ऑफ मार्बल्स होता है। तो
आगरा के, आगरा में ही ताजमहल है, तो ताजमहल में एसी ड्रेन जब मिलता है तो ताजमहल व्हाइट कलर का मार्बल है, तो वह आप पा रहे हैं कि दिन पर दिन वो येलो होते जा रहा है, इसी के कारण हो रहा है, मथुरा ऑयल रिफाइनरीज के कारण। अब जो कि मैंने पहले ही बताया था, अभी बता देता हूँ कि कानपुर सबसे सबसे गंदा गंगा होता है, सबसे गंदा गंगा है। क्यों होता है? क्योंकि वो वहाँ पर सारे लोग गंगा पर निर्भर रहते हैं, वहाँ पर सब नहाते हैं, वहीं पर अपने कपड़े धोते हैं, वहीं पर अपने क्या तो अपने बाथरूम के सीवेज वहीं पर बना चुके हैं, वहीं पर इंडस्ट्रियल वेस्ट सब डालते हैं, यहीं पर हमने पढ़ा था। इसी से अब ये अफेक्ट करता है फ्लोरा और फौना का। फ्लोरा क्या हुआ? जो एनिमल्स हो गए लिविंग ऑर्गेनिज्म, और फौना हो गया प्लांट्स, तो ये सबको अफेक्ट करता है। तो दोस्तों ये पूरा हमने अगर पढ़ लिया तो इसे, अगर आप इसे कुछ आपको फ़ायदा मिला है तो आप लाइक जरूर कीजिए, और लाइक करने और लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू। अब अगले वीडियो में आप पढ़िएगा पॉल्यूशन ऑफ एयर।